काफी टाइम बाद अपडेट आया। एक बात और कहना चाहूंगा इस वीडियो को खत्म करने से पहले, आप जहां भी हो जैसे भी हो इस इंटरव्यू को आगे जरूर दो, क्योंकि MBBS लेवल पे इससे अच्छा एग्जाम कोई है नहीं। काफी सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे, जो सारे फायदे UPSC CMS में है वो सारे फायदे इसमें भी है, और दिल्ली GDMO की जॉब अच्छी होती है। सो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने दिल्ली GDMO के बारे में लोगों को अपडेट किया था, एंड तो एक नोटिस आया मेरे पास, लगातार मैसेज भी आते रहते हैं दिल्ली GDMO के अपडेट के बारे में। तो अभी तो यही एक अपडेट आया है, जैसे फर्दर चीज़ें आती है डेफिनेटली आई लेट यू नो। एंड बस इतना ही कहूँगा, आप जहाँ भी हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्या किसी का नीट में सिलेक्शन हो गया, किसी का UPSC CMS में सिलेक्शन हो गया है, तो सारे लोग बिजी हैं, जितने कभी सिलेक्शन हुआ है उसमें मैक्सिमम लोग। तो मुझे लगता है अभी काफ़ी छोटा पार्ट बचा होगा जो इस इंटरव्यू को देने आ रहा है, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो भी लोग इस इंटरव्यू को देने आएंगे उनका सिलेक्शन होना है, क्योंकि कैंडिडेट अब कम हो गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डाइवर्जन हो गया। भाई किसी का नीट में सिलेक्शन हो गया, किसी का UPSC में हो गया, कोई आउट ऑफ इंडिया चला गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। होता क्या है, जब इंटरव्यू लेट होता है ना तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इंक्रीज हो जाती है। सो थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर वरुण। सो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम UPSC दिल्ली GDMO ने रिगार्डिंग इंटरव्यू एक अपडेट शेयर किया है। सो इस अपडेट में दिया गया है कि जो भी बेसिकली इंटरव्यू के कैंडिडेट्स प्रोविजनली फिट किए गए हैं एंड कम्प्लीटली फिट किए गए हैं, सो जिन लोगों जो भी प्रोविजनली फिट हैं उसमें सारे रोल नंबर दिए हुए हैं, वो लोग बिफोर 3/6/24 यानी बस आने वाली है, 5-6 दिन बचे हुए हैं। सो इस डेट से पहले आपको इस मेल पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। सो अगर आप ऐसा कर पाते हो और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस बेसिकली दो तरह की कैटेगरी बनाई गई है। पहला तो जो आप ये जो रोल नंबर्स हैं इनके अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली फिट हो इंटरव्यू के लिए, दूसरी यानी आपको कुछ भी सेंड नहीं करना है। एंड दूसरी कैटेगरी है रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलाइज फॉर इंटरव्यू प्रोविजनली, ठीक है। सो यू आर प्रोविजनली फिट, अगर आपको फिट होना है यानी एलिजिबल होना है तो आपको जो मैंने आपको मेल बताया है जो लिखा हुआ है उस पे आपको अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं। अब क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो इसमें दिया हुआ है रोल नंबर के अकॉर्डिंग सी लिखा हुआ है, फिर सीरियल नंबर 2 में F लिखा हुआ है। तो ये सारी कंडीशन है, ये क्या कोड है वो हम देखते हैं। सो बेसिकली एट द एंड कंडीशन कोड ए का मतलब है कि आपको मैट्रिकुलेशन एंड हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट ये सब भेजना है। ऐसे ही कोड 2 में कुछ दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। सो इस तरह से जिस जिसकी जो भी कैटेगरी है वो आपको उस ईमेल पे, एक बार मैं आपको ईमेल फिर से दिखा दूं, ईमेल upsc.spc1@nic.in, इस ऑफिशियल मेल पे आपको मेल करना है बिफोर 3/6/24, ये आपकी डेट है जो कि बस आने वाली है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर आप इजीली एलिजिबल हो जाओगे इंटरव्यू के लिए और आपको डेट मिल जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक